आदित्य टेम्परेचर चेक कर, ये ले। चल नॉर्मल आया टेम्परेचर। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आदित्य का टेम्परेचर चेक किया तो अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल पे आया, क्योंकि रात को भी इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, 101 था, पर अभी वो कर रहा है रेस्ट। तो मेरा टाइम आ चुका है ब्रेकफास्ट करने का, तो सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। वैसे तो चल रहा है नवरात्र, परंतु इस बार मैंने कोई तक फास्ट नहीं रखा है नवरात्रों का, क्योंकि आज है डे टू नवरात्रों का। देख तू, लास्ट डे शायद मैं नवरात्रों का व्रत रखूं। आपने मम्मी रखा हुआ व्रत नवरात्रों का? चल मम्मी की चल रही है फास्टिंग, क्या पता इसी बहाने थोड़े से पतले हो जाए। पर काफी लोगों का ना इस चक्कर में वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है इतना ज्यादा खाते हैं, मतलब स्पेशली फ्राइड चीजें इतनी ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ जाता है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए सोया चंक्स। तो पहले लेंगे सबसे पहले 30 ग्राम दही, 30 ग्राम सोया चंक्स, नमक, मसाले, इसको मैरिनेट करके रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। तब तक मेरा ताम झाम हो रहा है मैरिनेट, मैं सोचू कि मैं टेडी पर नहला दूं। मम्मी टेडी का शैम्पू पड़ा हुआ है जो यूज करता है, टेडी वाला शैम्पू खत्म हो गया हुआ है, अपने शैम्पू से नॉर्मल से नहला दूं। ये तो फाइनली टेडी आज नहाने लगा। आज टेडी की धुलाई होगी मेरे बच्चों, कुची पुची पुची पुची। और टेडी को नहलाना ना बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि इसको पहले पता चल जाता है जब हम रस्सी हाथ में पकड़ते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो चुप गया, इतना चलाक कुत्ता है। टेडी कहाँ छुप रहे हो, बाहर आओ, नहाना नहीं है, नहीं नहीं करनी है। टैडी स्कूबी मिलेगी, पकड़ना 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 पकड़ना। ओ खुश हो गया, इसको लग रहा घूमने घुमाने लेके जा रहे हैं। मुझे प्यार करो, बल्ले 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 बल्ले, शाबाश 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 शाबाश, चलो बेटा आजा 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 आजा। तू है बलि का बकरा, आज तेरे को नहलाया जाएगा बेटा जान। आजा 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 बेटा, अब इसको समझ में आएगा कि बेटा नहलाने जा रहे हैं तेरे को। आजो आजो बेटा, आजो आजो। नो, ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे हो ना, गुड बॉय है टेडी, तो आजा। नो टेडी, चलो स्कूबी मिलेगी, स्कूबी टेडी। ओ मेरा बच्चे को क्या हो गया, रोड़े कर देता। तुझे पता है डॉगी कितने खुश होते नहीं नहीं करके, तू क्यों नहीं नहीं करता? और गर्मियों को वॉशरूम में नहीं डू, नहीं नहीं के बाद स्कूबी मिलेगी, कितने सारे फ्रूट्स मिलेंगे टेडी को। नो टेडी डोंट बाइट, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। मेरा बच्चा नहीं नहीं होगी, क्लीन क्लीन नहीं कर रहे तो कहां जा रहे टैडी को नहलाने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है खुद नहाना, क्योंकि सबसे पहले तो आप पूरे गीले हो जाते हैं नहलाते नहलाते, और ऊपर से इसके बाल बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने बाल चिपके हुए मिलेंगे, तो नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इतना इरिटेटिंग है ना बाई गॉड, नहाते वक्त ना इतने ज्यादा पंजे मारते हैं ना कि मेरे ना कहीं ना कहीं निशान भर ही होता, पता नहीं इस टाइम वीडियो में दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, बट मेरी पूरी बाजू ना ऐसे निशानों से भर जाती है। हम लगाएंगे सोया चंक्स को बढ़िया सा तड़का, तो ये स्टार, सिनेमन, टमाटर और हरी मिर्च, मैरिनेटेड सोया चंक्स, एंड थोड़ी देर के बाद सब्जी तैयार। मैं सिनेमन की स्टिक काटते काटते ना मेरे हाथ पे कट लग गया, पहले तो मैं इस पे कुछ लगाती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा चुभेगा। ऐसे मत देखो करो टैडू, हाँ टैडी को रोटी डाल दी, मेरी एक एक बाइट गिन रहा है कि मैंने कितनी बाइट्स खा ली, कहाँ कहाँ से घुमा के खा रही हूँ। टैडू दीदी को अपना खिलौना दे दो, अभी ये भी मेरे को दे दो। मैं जा रही हूँ मार्केट, तो नीचे आया हूँ कार मुझे पिक करने के लिए, क्योंकि हमें स्टूडियो के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना है। असल लोगों ने पूरी वीडियो वगैरह देख के मौज करा दी हुई है, बहुत खुश हुए लोग देख के। अच्छा मेरे, तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तुम बहुत खुश होगे, नेल पेंट लग गई हो बस उसके अलावा नहीं, तुम खुश हो जाओगे, यू विल बी लाइक मैंने नेल्स काट लिए अपने। वाह वाह वाह, सेलिब्रेशन पार्टी। देखो देखो, इसको बोलते हैं कुर्बानी,
वर्कआउट करना होता है, डिस्टर्ब करते हैं। वैसे ओंकार तुम मेरे को ना बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि पता है कि नेल्स को लेके मैं आजकल इतनी वो ज्यादा ऑब्सेस क्यों हो रही हूँ, क्योंकि ना बचपन से एक तो स्कूल में कभी नेल्स बढ़ने नहीं देते। हाँ। उसके बाद मैं थी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मेरी एडमिशन हुई है कॉलेज में, स्कूल तो में गेम खेल तो गेम खेली होती थी, तो मेरे जो कोच सर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बोलते थे काट के रखो काट के रखो। हाँ। बड़े होते तो आप रियलाइज करते हो कि आप नेल्स के साथ प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते। इस एज में आ गई हुई है, तुझे लग रहा है कि तू लड़की है, लड़कियों के नाक कौन होते हैं, तब तक उससे पहले तक तो लड़के वाली लड़की थी, अब मेरा रिश्ता मर्दाना लड़की। हाय हाय, तो बेसिकली वो कभी टाइम आया ही नहीं कि मैंने अपने नाखून अच्छे से बढ़ाए हूँ। मुझे ना सच्चे बहुत बुरा लग रहा है कि फाइनली मैं अपने औकात पे वापस आ चुकी हूँ, मर्दाना जनाना पे आ गई है, बैक टू नॉर्मल। यार उनकार क्या बेकार सी खबर है, सच्ची में बहुत ही ज्यादा बेकार खबर है कि 10वीं के बोर्ड के एग्जाम जो है ना कैंसिल हो चुके हैं। मैं इस टाइम पे ये फील कर रहा हूँ, काश मैं 10वीं में होता और फिर कैंसिल होता। हमारी किस्मत ही खराब है। मतलब चल बे, तू तो फिर भी अच्छे नंबर लेके आई थी 10वीं में, मेरे जैसे से पूछो जिसको भाई साहब 40-50 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। सीरियसली काश मैं स्कूल में होता यार। मतलब गुड लक टू द 10वीं के बच्चों की खुशी देखो इस टाइम कितनी ज्यादा होगी कि पास। और जन की 10वीं के पेपर हो चुके हुए, मतलब जो एक दो साल पहले दे दिए जिन्होंने, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, स्पेशली जिनका एक साल पहले हुआ है। अभी ना हम अपनी गाड़ी में डलवाने आए हैं डीजल, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ना रश देखो इस टाइम पे कितना ज्यादा है, और ये रश का रीजन पता है क्या है, मोहाली में जो डीजल के प्राइस और पेट्रोल के प्राइस है वो थोड़े ज्यादा है और चंडीगढ़ में कम है, तो सारे लोग मोहाली वगैरह से ना इधर आते हैं डीजल डलवाने पेट्रोल डलवाने। छोटे से पेट्रोल पंप में गाड़ियां 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 गाड़ियां, क्या रेट चल रहा है पेट्रोल? 80 रुपीज है, 80.57 डीजल है पेट्रोल डीजल। अब जाके मैं पहुंची हूँ घर, इतना ज्यादा टाइम लग गया ना, वर्कआउट तो भूल ही जाओ, मेरे को इतनी ज्यादा भूख लगी है। सबसे पहले मैं जाऊंगी और कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद खाऊंगी डिनर। ओ मेरा बच्चा, क्या खाने को लाई है दीदू, क्या खाने को लाई है दीदू? सो गाइस थकावट हो चुकी है बहुत ही ज्यादा, मैं करूंगी डिनर उसके बाद सो जाऊंगी। अब मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट चबाकर। कैसी है तेरी तबीयत भाई साहब? इसका तो गला इतना जाम हो गया, इसे तो बोला तक नहीं जा रहा है, मतलब खाना नहीं खा रहा है, ये तो मुझे पता था, पर इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही गले से बाहर।